जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् शर्म का निषेध, आर्टिकल 23। मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् शर्म के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। मानव दुर्व्यापार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि किसी बंदे को या फिर किसी लड़की को या फिर किसी इंसान को दास या फिर नौकर के रूप में उसका व्यापार करना, यानी कि इस देश से उस देश ले जाना या फिर इस शहर से उस बंदे को दूसरे शहर में ले आकर के बेच देना, तो उसको बोलते हैं मानव दुर्व्यापार। इसमें पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद बिक्री भी आती है, इसी में शामिल है। उसके बाद आते हैं बेगार के ऊपर। तो बेगार उसी स्थिति को कहा जाता है जैसे कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको जितने पैसे मिलने चाहिए, आपको आपने जितनी मेहनत की है उस हिसाब से आपको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे अगर आपको नहीं मिले हैं तो वो बेगार कहलाता है। इसके लिए अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया। ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि जितने भी जो पुरुष, महिला, बच्चों की जो खरीद बिक्री इस देश से उस देश में होती है वो बंद हो सके। इसके लिए ये एक्ट बनाया गया 1956 में। आर्टिकल 23 बेगार के अलावा बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाता है। बंधुआ मजदूरी उसी को कहा जाता है कि जैसे कि किसी के यहाँ आप काम कर रहे हैं और वो आपसे काम करा रहा है, बशर्ते कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी है और वो आपसे 14 घंटे, 15 घंटे और 16 घंटे जैसे तक काम ले रहा है और आपको जितने पैसे मिलने चाहिए वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी होती है वो बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाता है। अपवाद क्या चाहिए? तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि पब्लिक यानी जनता की भलाई के लिए इस तरह के जो भी उद्देश्य होंगे उन सब के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकती है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि आप एक दूसरे को बंधुत्व की नज़र से देखें, ऐसा नहीं कि किसी बंदे को देख करके उसे कास्ट या फिर रिलीजन के आधार पर उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, तो उस तरह से नहीं, मतलब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक दूसरे की सहायता करें। अगर कोई बंदा कहीं पर गिरा हुआ है तो आपको उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी अगर ये आपकी है तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसा रूल बना सकती है। मैं सिर्फ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ऐसा नियम बना सकती है। और राज उसके लिए धन देने के लिए मजबूर नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ पे मजबूत लिख दिया, तो गवर्नमेंट इसके लिए मजबूर नहीं है कि वो इसके लिए पेमेंट आपको दे, क्योंकि आप जो करें वो सोशल वर्क है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि सार्वजनिक हित में, ये सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। तो इसके लेकिन इस प्रकार के सेवा में लगने के लिए राज्य को धर्म, जाति या लिंग इत्यादि जैसी चीज़ों पर भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई बंदा गिरा हुआ है या फिर लेटा गिरा हुआ है ज़मीन पर, तो वो बंदा उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जा सकता है, उसको उसका इलाज करवा सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कोई स्टेट है या फिर यूनियन गवर्नमेंट है तो ऐसा कोई रूल बना सकती है, लेकिन बशर्ते कि वो इस चीज़ पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा कि ना तो रिलीजन कास्ट या फिर बर्थ प्लेस इत्यादि के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा कि ये बंदा ब्राह्मण है तो कोई नीचे जाति का इंसान इसको उठा नहीं सकता है और ना ही इसको अस्पताल ले जा सकता है, ना ही इसका इलाज करा सकता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को हटा के रखना होगा। तो ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ मानव दुर्व्यापार आपको समझ में आ गया। जैसे कि इसमें दिया गया ये जो बॉस है जो खड़ूस अपने एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा है, तो इसी तरह से कि कोई आपका दुरुपयोग ना करे, जैसे कि इसको सपोज दैट हम मान लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि ये बॉस अपने एम्प्लॉय को डांट रहा है कि तुम अब 8 घंटे नहीं 10 घंटे काम करोगी लेकिन तुम्हें पैसे उतने ही मिलेंगे, तो इसी के वजह से वो एम्प्लॉय भी उसे आँख दिखा रहा है जिसकी वजह से बॉस को गुस्सा आ रहा है।
वो बॉस उसको ऐसे मतलब दांत फाड़ते हुए देख रहा है। इसमें जो अगला फोटो जो मैंने दिखाया कि जिस बंदे के पास पैसे हैं वो बंदा भारी है और इतने सारे यूथ मिलकर भी उसका उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हो चुका है, क्योंकि लोग पैसे पैसे देकर किसी का भी नियत डगमगा जाता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ये सिर्फ किडिंग कर रहा हूँ। तो पैसे पैसा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इतना ज़्यादा अभी के टाइम में इम्पोर्टेंस रखता है कि वो यूथ के पावर को भी ख़त्म कर सकता है, यानी कि उसको कम कर सकता है। तो ये सिर्फ ये फ़ोटो मैंने सिर्फ इसीलिए लगाई थी और इसका कोई रीज़न नहीं था। और इस चीज़ को कोई भी धर्म रिलीजन से नहीं जोड़ेगा, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो अगला है, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध, आर्टिकल 24। किसी फैक्ट्री, खान या किसी संकट में गतिविधियों या निर्माण कार्य या फिर रेलवे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, लेकिन यह प्रतिषेध उस जगह पर नहीं है जहां पर बच्चों को कसना हो। अब सपोज दैट आर्टिकल 24 बस यही कहना चाहता है कि कोई भी फैक्ट्री, अब चाहे वो कोयला निकालने की फैक्ट्री हो या किसी संकट में, यानी कि अब यूँ समझ लो कि नीचे आग लगी है और ऊपर से आपको चल करके जाना और स्विच देना है, तो इस टाइप से जो इसमें कि जान का ख़तरा है, तो इस तरह से कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती है वो, या फिर निर्माण कार्य जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बनते हैं, यानी कि अपार्टमेंट वगैरह बनते हैं बहुत ऊँचे ऊँचे, 20 तल्ला, 20 तल्ला, अच्छा 25 तल्ला, तो इस तरह के जो भी बिल्डिंग बनते हैं वहाँ पर बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहाँ से अगर बच्चे गिरे तो उनकी मौत ही हो सकती, उनकी मौत होनी तय है। तो इसी तरह जो भी संकट में काम है, या फिर रेलवे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि रेलवे में भी किसी बच्चे को काम पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि रेलवे में भी ख़तरा है, यह लेकिन यह प्रतिषेध उस जगह पर नहीं है जहाँ पर बच्चों को कसना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं लेकिन हमें कष्ट होता है स्कूल जाने से, हमें दुख होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं समझ सकती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यही है कि इस उस जगह पर प्रतिषेध नहीं है जहाँ पर बच्चों को कष्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी एक्ट्रेसेस, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे चाइल्ड एक्ट्रेस हैं, तो उसमें उनको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है जितनी कि इन सब प्राइवेट सेक्टर या फिर फैक्ट्री या फिर कोयला खदान वगैरह में होते हैं। तो ये आर्टिकल 24 बस यही कहता है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया ताकि इसमें कुछ फंड जमा हो सके और वो बच्चों के लिए कुछ विशेष कदम उठा सकें। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना की गई। बालक के विरुद्ध अधिकार या उनके अधिकारों को उल्लंघन पर तुरंत विचार, ऐसा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 इसीलिए बनाया गया कि अगर बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या फिर उसके साथ कुछ गलत करता है या फिर उसके साथ उसको ज़बरदस्ती इस तरह के किसी काम पर रखता है, तो इससे रिलेटेड जो भी आयोग हैं, जो भी कमीशन है, चाहे वो नेशनल लेवल पर कमीशन हो या फिर स्टेट लेवल पर कमीशन हो, दोनों की स्थापना की गई है और अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसके ऊपर तुरंत विचार किया जाएगा, उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सो गए ऐसा सुन करके। जो अगला है, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध, आर्टिकल 24। 2006 में सरकार ने बच्चों को नौकर के रूप में काम करने पर, जैसे होटल, चाय दुकान पर काम करने को रोक लगा दिया। हालांकि 2006 में ये बनाया गया था, लेकिन आप अब भी देखेंगे बहुत सारे चाय दुकान या फिर किताब दुकान, कपड़े दुकान, बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि छोटे छोटे होते हैं, 10 साल 12 साल के बच्चे होते हैं जो कि वहाँ पर प्लेट धोते हैं, जूठे बर्तन धोते हुए आपको दिख जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, लेकिन इसको लागू करने की जिम्मेदारी कुछ हद तक हमारे ऊपर भी है और जो प्रशासक हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, MLA MP वगैरह हैं, जो सरकार है उसको, उसके ऊपर
जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को करने की। लेकिन हालांकि फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जाते हैं जो कि इन सब जगहों पर काम करते दिखाई देते हैं, और इस नियम को तोड़ने वालों पर अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई होगी। उसके लिए नियम भी बनाया गया कि अगर अगर कोई बंदा इस तरह से अगर कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको उसको दंड दिया जाएगा, चाहे वो भले ही मार पीटने की बात हो या फिर उसको जुर्माना भरने की बात हो। हालांकि ऐसा कई जगह देखा गया है जहाँ पर सरकार इसके ऊपर कड़े इंस्ट्रक्शन देती है, और अगर ऐसा कहीं पर होता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी करती है, और ऐसा बहुत बहुत जगहों पर देखा भी गया है। फॉर सपोज दैट आपने भी देखा होगा अगर कोई बच्चा कहीं पर काम करते तो मजाक में ये लोग बोल देते हैं कि यार तूने इस मतलब ये ऐसे, मैंने बहुत जगह सुना तो मैंने देखा है ये चीज़, तो वहाँ पर मजाक में ये लोग बोल देते हैं अरे यार तूने इतने छोटे बच्चे को काम पर रखा है, तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तुझे इतने रुपये का जुर्माना हो जाएगा, लाइक दैट समथिंग इट इस, ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो हालांकि ऐसा हुआ है, सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है, और इस क्षेत्र में बहुत सारी सफलताएं भी हासिल हुई है। इसके आगे जो है बाल श्रम संशोधन 2016, बाल श्रम संशोधन अधिनियम को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम कर दिया गया, यानी कि पहले 1986 में इसका नाम बदलकर अब बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन कर दिया गया। यह एक्ट 14 साल से 18 साल के बच्चों को किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में रोजगार निषिद्ध करता है, विशेषकर खतरों वाले कामों में। 14 से 18 साल के बीच ऐसा माना जाता है कि 18 साल के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसको उतनी अकल आ जाती है कि वो अच्छे और बुरे की समझ रख सके। तो इसीलिए ये दिया गया कि 14 साल से 18 साल के बच्चों को किसी भी व्यवसाय यानी किसी बिजनेस या फिर उस तरह के प्रोसीजर्स में रोज़गार निषिद्ध करता है कि उस जगह पर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जहाँ पर खतरा है। और इसके लिए बहुत सारे नियम भी दिए गए। तो इस नियम को तोड़ने वाले को 6 महीने से लेकर के 2 साल तक कैद हो सकती है। अब सपोज अगर आपने किसी बच्चे को काम पर रखा और अगर सरकार ने देख लिया या फिर सरकार किसी एम्प्लॉयर ने देख लिया तो वो इसके खिलाफ अगर उसने कोई कार्रवाई दर्ज की है तो इसके लिए उस बंदे को 6 से 2 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और इसी चीज़ को अगर उसने दोबारा भी दोहराया तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल की जेल होनी तय है। तो बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में इसीलिए बनाया गया ताकि बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया जा सके, क्योंकि हमारा जो देश है वो यूथ के सहारे ही चलता है, और ये यूथ ये बच्चे ही बनेंगे क्योंकि यही बच्चे हैं जो देश के फ्यूचर को तय करेंगे। तो ऐसा कि बहुत बहुत टाइम पे देखा गया कि ऐसा होता भी है, सरकार इसके लिए नियम बनाती है और जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो इसके ऊपर ध्यान भी देते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए कि अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो कि 14 साल से 18 साल के बीच और वो खतरों वाले व्यवसाय में काम कर रहा है तो कृपया कर उससे बात करें या फिर उसके पेरेंट्स से बात करें कि ताकि उस बच्चे को कोई ख़तरा ना हो, या फिर आप सरकार को इत्तला करें या फिर गवर्नमेंट को इत्तला करें कि ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ कदम उठा सके ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बच सके, और आने वाले टाइम में वो बंदा हो सकता है वो आईएएस ऑफिसर बने या फिर आईपीएस ऑफिसर बने, देश का एक सितारा बन सके। तो इसीलिए बच्चों का भविष्य अनमोल है। मैं आप सबको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं झेल चुका हूँ और मैं उस तरह के जगहों पर काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बच्चों की हालत उस वक्त क्या होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा बच्चे अगर आपको किसी कहीं पर दिखे तो प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर करें, उनके पेरेंट्स से बात करें या फिर जिस बंदे ने उसे काम पर रखा उससे बात करें या फिर गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय से बात करें ताकि वो इससे रिलेटेड कुछ काम कर सके या फिर उस बच्चे को इंसाफ दिला सके ताकि वो बंदा कुछ कर सके। हालांकि ऐसे होते हैं बच्चों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनको जाना ही पड़ता है, वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए वही प्रॉब्लम मेरे साथ थी और मैं बचपन से ही काम करता हुआ आ रहा हूँ। बेसिकली बहुत ज़्यादा खतरों वाले काम ही किए मैक्सिमम, क्योंकि उस वक्त और कुछ ज़्यादा काम मिलता भी नहीं था और मुझे कुछ आता भी नहीं था,
तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरी लाइफ, मैं अपनी लाइफ ऐसे जिया हूँ, उस तरह कोई और बंदा इस तरह से लाइफ जिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के इस वीडियो, आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई है तो प्लीज़ कमेंट में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो करके बताएं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली फेसबुक पर फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको आराम से PDF मिल जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। बस इस तरह पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।